हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद द चैनल। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है कि जो हमारी एक हेक्सागन है, ए बी सी डी ई एफ, क्या है? हेक्सागन, ठीक है। तो सी और डी पर हम एक पोल बना रहे हैं, क्या ये दोनों क्या हैं? पोल, खंबे। तो इन दोनों की हाइट का रेशियो क्या है? हाइट का जो रेशियो वो क्या होगा, ठीक है। तो देखो, एक चीज़ याद रखना हेक्सागन में, ये तुम्हारा हेक्सागन है, यहाँ पे एक पोल है, ठीक है। तो देखो, अगर ये ए है, ये ए है, तो ये रूट थ्री ए होता है। अब देखो, अगर तुम एग्ज़ाम में निकालने बैठ गए, मैंने तुमको शॉर्टकट बता रखे हैं सारे, कि अगर ये 120 डिग्री है तो ये रूट थ्री ए होगा, ठीक है। अगर तुम एग्ज़ाम में निकालने बैठ गए कि ये रूट थ्री ए कॉस साइन से, तो टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक है। तो फंडा क्लियर रखना, ये एंगल उसने कितना बोला है? 30 डिग्री। तो बता सकते हो ये कितना होगा? टेन 30 कितना होता है? 1/√3। तो इसको ए होना पड़ेगा। बात क्लियर है मेरी, ठीक है। अब देखो, इसी हेक्सागन में वो ये कह रहा है कि इसकी जो हाइट है वो बताओ। तो देखो, अगर ये ए है तो ये डबल होगा, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए कि अगर ये ए है तो ये 2a होता है। तो ये 60 है, तो अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, ठीक है? 2a√3 होगा। टेन 60 कितना होता है, ठीक है। तो अब दोनों का रेशियो निकालना है, तो a बाई 2a√3, तो कट गया, कितना बचा? 1/√3। क्लियर है? कोई डाउट? तो प्लीज़ याद रखना, अगर ये a है, ये a है, तो ये √3a होता है, और अगर ये a है तो सामने वाली 2a होती है, ठीक है। प्रूफ भी कर सकते हो, लेकिन यार इतना टाइम होता नहीं एग्ज़ाम में, ठीक है, वेस्ट मत करना।